हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ग्रेसी। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो गाइस। एक्चुअली इट इज़ अ पार्ट टू ऑफ सरोजनी नगर हॉल। मैंने इससे पहले भी एक डाला था जिसमें मैंने आपको अपर वियर्स दिखाए थे कि मैं क्या क्या लेके आई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। एंड इट इज़ अ पार्ट टू जिसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं अपर वियर्स को छोड़ के मैं लोअर में क्या लेके आई हूँ और बाकी एक्सेसरीज या फुटवेयर्स में मैं क्या क्या लेके आई हूँ। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर गुड वीडियोज। गाइज, आई नो आई एम रिपीटिंग द आउटफिट बट इट्स ओके बिकॉज मैंने दोनों वीडियो एक ही दिन शूट की थी। So it's not a big deal. So let's talk about the first trouser which is in green color. ये bottle green color में है। इसका fabric जो है बाहर से थोड़ा साटन वाला है and बहुत comfortable है पहनने में। इसकी side में ऐसे ये zip दी हुई है और ऊपर बटन दिया हुआ है। इसका जो फिटिंग है ये एकदम हाई वेस्ट है और इसका जो फिटिंग है मेरे को तो बहुत ज़्यादा फिट आई है। लाइक आई एम इन लव विद द फिटिंग ऑफ दिस ट्राउज़र। एंड इसके नीचे ऐसे ये कट दिया हुआ है। इसमें डबल फैब्रिक यूज़ हुआ है। बहुत सॉफ्ट है, बहुत कूल है, गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगती है। एंड यू कैन सी इसके नीचे भी एक फैब्रिक लगाया हुआ है इन्होंने अलग से, बट वेरी गुड इन फिटिंग। गाइस, सेकंड इज दिस लाइट ब्राउन ट्राउजर जो मैंने अपने ऑफिस पर्पस के लिए ली थी। एज यू कैन सी इसमें ऐसे ये हुक दिया हुआ है प्लस बटन भी दिया हुआ है। एंड इसका जो फिटिंग है वो भी मेरे को काफ़ी अच्छा आया है। ऊपर से हल्की सी, बिल्कुल हल्की सी लूज है बट वो बेल्ट के साथ काम कर जाएगा। एंड ये भी हाई वेस्ट है। पीछे इसमें ऐसे दो पॉकेट दी हुई है और ये ऐसे इसमें बटन लगाया हुआ है। एंड इसमें पॉकेट है जो मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है, बट ये पॉकेट किसी काम की है नहीं बिकॉज इसमें आपका पूरा हाथ क्या, मतलब आप अगर मान के चलो मेरी ये उंगली है ना तो ये भी बस इतनी ही जा पा रही है, तो इस पॉकेट का कोई काम नहीं है। बट आई लाइक पॉकेट्स इन माई ट्राउजर और लोवर्स। एज यू कैन सी ये मेरे को एंकल लेंथ तक आती है। इसमें भी हल्का सा ऐसे कट दिया हुआ है नीचे। आई डोंट नो मैं सब ऐसे ही कट वाले क्यों उठा के ले आई, बट इसका जो फिटिंग है बहुत अच्छा है। एंड इसका जो कपड़ा है ऑल्सो वेरी नाइस, वेरी कंफर्टेबल, वेरी सॉफ्ट। ऐसा भी नहीं है कि चुभेगा या फिर आपको काटेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। या फिर ऐसा भी नहीं है कि बहुत गर्मी फील कराएगा, बहुत मोटा है, बहुत सॉफ्ट कपड़ा है, एकदम मलाई मलाई के जैसा। नाइस, वेरी नाइस ट्राउजर। गाइस, इस बार मैंने सरोजनी से दो जीन्स भी खरीदी है जिसमें से एक है ये लाइट ब्लू कलर की जीन्स। ये नीचे से वाइट लेग है एंड ये मेरे को पहनने के बाद थोड़ी सी बड़ी आई है। लाइक मेरे को इसकी लेंथ नीचे से कट करानी पड़ेगी। एंड मेरे पास ना ये फेडेड वाली जीन्स बहुत कम मिलती है बिकॉज आई लाइक द प्लेन एंड द सॉलिड कलर जीन्सेस। बट मैंने सोचा कि इस बार ट्राई कर लेते हैं, तो मैंने इसलिए ट्राई करने के लिए ले ली। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऐसे लाइन दी हुई है दोनों साइड में, पॉकेट भी है इसकी, अच्छी खासी पॉकेट है। लाइक आई लव पॉकेट्स। एंड या ये भी हाई वेस्ट है जो सबसे अच्छी बात है। आई एम लाइक अभी मेरे से ना लो वेस्ट पहनी ही नहीं जाती है। मैं जो भी ट्राई करती हूँ लेने का कि मैं हाई वेस्ट ही लूँ बिकॉज वो बहुत कंफर्टेबल होता है पहनने में और उसका फिटिंग भी काफ़ी अच्छा आता है। एंड इसके पीछे भी पॉकेट है जिसपे ऐसा वाइट थ्रेड से काम हुआ है। तो या इट इज़ अ क्वाइट गुड जीन्स। बस इसकी लेंथ मेरे को थोड़ी कम करानी पड़ेगी। इसका कपड़ा भी अगेन बहुत सॉफ्ट है। मैं कपड़ा बहुत देख के लेती हूँ, मतलब काफ़ी टाइम में क्या होता है ना, जीन्स ना ऐसे चुभने वाली आ जाती है कि थोड़ा सा भी पसीना अगर आपको पैरों पे आता है स्पेशली इन गर्मी तो वो बहुत काटने को लगती है आपको। लेकिन इसका कपड़ा जो है अंदर से वो भी काफ़ी सॉफ्ट है। दूसरी जीन्स जो मैंने वहाँ से ली थी वो है ये डार्क ब्लू कलर की, एकदम ब्लू कलर है ये। इसमें भी थोड़ा सा फेडेडपन है मतलब नीज पे, बट इतना चल जाता है। बट वो तो बहुत ज़्यादा लाइट हो गई थी, एक तो उसका कलर ही इतना लाइट है और उसके ऊपर वो फेडेड भी लग रही है तो वो बहुत ज़्यादा लाइट हो जाता है मेरे लिए। तो ये इसमें आप देख सकते हैं ऐसे इसमें आगे ये नोट बांधने के लिए आपको ऐसे नाड़ा दिया हुआ है। एंड ये तो मेरे को काफ़ी हाई वेस्टेड है। इसकी भी लेंथ मेरे को थोड़ी सी बड़ी लगी, बट उसको मेरे को अल्ट्रेशन इसमें कराना पड़ेगा। इट्स ओके, वो मैं करा लूँगी, नॉट अ बिग डील। बट ये वाइड लेग नहीं है, नीचे से जैसे ये नीचे होती जाएगी तो वो नैरो होती जाएगी। तो इसका फिटिंग भी मेरे को काफ़ी अच्छा आया है। पीछे भी इसमें बड़ी बड़ी दो पॉकेट दी गई है। इसका बस एक डिसएडवांटेज बस यही है जो मेरे को इसमें अच्छा नहीं लगा कि इसमें आगे पॉकेट नहीं है। और थोड़ा सा मेरे को लगता है कि इसमें यहाँ पे नोट लगने की वजह से ये ऊपर से आपका फिटिंग थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, उसका लुक थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। एक्चुअली फिटिंग तो ये नोट लगने से और अच्छा हो जाता है, बट
जो लुक होता है ना यहाँ का वेस्ट वाला, वो थोड़ा सा खराब हो जाता है, बट इट्स ओके, चल सकता है मेरे को. या कपड़ा इसका बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है इसका भी कपड़ा अंदर से. नाइस गाइस, लोअर्स में सिर्फ इतना ही था. मैं यही जीन्स ट्राउजर्स लेके आई थी. अब मैं बात करती हूँ और चीज़ों की जो मैं वहाँ से लेके आई हूँ. उसमें से एक है ये क्यूट 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 जार मग. मेरे को ये बहुत पसंद आया. और मैं एक बार और पहले सरोजनी गई थी तो मैं सेम मग लेके आई थी, बट उसका जो कलर था वो पिंक कलर में था. और वहाँ पे आपको 5-6 कलर आराम से मिल जाते हैं, और ये मेरे को सिर्फ 100 rupees में मिला. आई एम इन लव विद दिस टाइप ऑफ जार मग्स. एज यू कैन सी, इस पे लिखा भी हुआ है क्वालिटी रिफ्रेशिंग आइस कोल्ड ड्रिंक. इसमें आपको ये स्ट्रॉ भी मिलता है आराम से, मस्त. सेकंड में वहां से लेके आई थी ये वाटर बॉटल, जिसपे आप अगर यहाँ पे ऐसे टैप करेंगे ना तो आपको यहाँ पे ये टेम्परेचर दिखाता है कि इसके अंदर जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर कितना है. आई डोंट नो कि ये सही टेम्परेचर दिखाता है या नहीं दिखाता है, बट या इसके डब्बे पे जो लिखा हुआ था वो यही लिखा हुआ था कि ये एक्यूरेट ही बताता है. एंड सेकंड थिंग, जो इस पे बैटरी बैकअप लिखा हुआ था इसका, वो लिखा हुआ था 500 days. अगर आप इसको खोलते हैं तो ये ऐसे इसमें ये फिल्ट ओ सॉरी इसका ये ऐसे फिल्टर जैसा कुछ यहाँ पे इन्होंने कैप लगाया हुआ है, यहाँ से ये ऐसा है एंड ये फिल्टर हट जाता है लाइक ऐसे. आप इसमें अपनी कॉफ़ी स्टोर कर सकते हो, पानी स्टोर कर सकते हो, दूध कॉफ़ी या जो भी चाय पाए आप जो भी पीते हैं वो आप इसमें इजीली स्टोर कर सकते हो. नाइस, इसमें मैंने क्या रखा था. एंड ये जब बंद हो जाता है तो आप इसको कैसे भी ला सकते हैं, इसमें से पानी नहीं निकलता है या फिर आपको जो भी लिक्विड अंदर है वो बिल्कुल भी लीकेज नहीं होगा. एंड इसमें वहाँ पे वाइट कलर था, रेड कलर था, पिंक कलर था एंड ये ब्लैक कलर था. आई वॉज विशिंग कि इसमें लेवेंडर कलर मिल जाए, बट वो नहीं. सो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. ये भी बहुत अच्छा है. इसका ऐसे बाहर से पता नहीं एल्युमिनियम का मटेरियल है या. गाइज, अब हम बात करते हैं फुटवेयर्स की. वहाँ पे फुटवेयर का इतना अच्छा कलेक्शन था ना कि मेरा मन कर रहा था मैं बहुत सारे खरीदूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं बचे थे क्योंकि मैं ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुकी थी इतना सारा. तो मैंने फाइनली 2 फुटवेयर चूज़ किया बहुत मुश्किल से, बिकॉज वहाँ पे बहुत अच्छा कलेक्शन था. जिसमें से एक है ये वाइट फ्लैट्स चप्पल. मैं उल्टा पकड़ रही हूँ, हाँ अब ठीक है. वाइट फ्लैट चप्पल्स, मेरे को ये 41 नंबर में आया था. एंड अगर मैं इसकी बात करूँ इसकी क्वालिटी की, तो इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है. लाइक आपको लुक भी अच्छा देगी. आजकल ये स्क्वायर जो आगे से स्क्वायर फॉर्म में रहती है, स्क्वायर लेआउट में रहती है, आजकल ये स्लीपर्स फुट फ्लैट्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है. एंड ये मेरे पैर पर काफ़ी अच्छा भी लगता है. सो इसमें ये ऐसे पतली पतली स्ट्रैप दी हुई है, यहाँ पर एक नोट लगी हुई है, और इसमें आपको कलर ऑप्शन 3-4 मिल जाते हैं. लेवेंडर था बट वो मेरे साइज़ का नहीं था गाइज. अगर सच में मेरे साइज़ का होता ना तो मैं उसको ही ले लेती, बट इट्स ओके. लेवेंडर के बाद मैंने सोचा कि वाइट ही ले लेती हूँ. मोस्ट ऑफ आउटफिट्स पे चला जाता है, कलर्स के साथ चला जाता है. ब्लैक नहीं था, बिकॉज ब्लैक भी चला जाता है, तो इसलिए मैंने वाइट चूज़ किया. इसमें आपको न्योन कलर भी मिल जाएगा, आप चेकआउट ज़रूर करना. अगर आप दिल्ली में रहते हैं या फिर आप कभी भी सरोज नहीं जाते हैं तो आपको ये ईजिली मिल जाएगा. इट इज़ लुकिंग टू क्यूट. सेकेंड फुटवेयर जो मैंने लिया था वो मैंने घर पे पहनने के लिए लिया था, या फिर ऐसे ही पहन के मार्केट चले गए वैसे लिया था. एंड लुक एट माय क्यूट क्यूट लेवेंडर कलर चप्पल्स गाइस. इसमें भी आपको 3 कलर मिल जाएंगे वहाँ पे, लेकिन मेरे को तो लेवेंडर ही चाहिए था. इससे ज़्यादा क्यूट मेरे को कुछ भी नहीं लगा वहाँ पे. एंड ये पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है. एज यू कैन सी कितना फ्लेक्सिबल है ये, और पहनने में एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट है, आपके पैर में छाले नहीं करेगा. एंड इतना सॉफ्ट और क्यूट मटेरियल मिल रहा था ना कि मतलब मेरे को मन करता है कि मैं बाहर भी इसी को पहन के चली जाऊँ, बट मैं पहन के नहीं जा सकती हूँ बिकॉज अच्छे नहीं लगेंगे ऐसे आप प्रोफेशनली आउटफिट पे ये चप्पल पहन के जाओ, एब्सोल्युटली नॉट. बट ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है पहनने में, लुक्स क्यूट. एंड या एंड दैट्स ऑल आई गॉट फ्रॉम सरोजनी नगर दिस टाइम गाइज. आई होप यू लाइक इट. अगर आपको अच्छा लगा है, अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है, देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट ऑलवेज. सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो सुपर सून. अंटिल देन यू टेक केयर, कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी शैप्पी. बाय बाय.